कि देश में हिंदू मुस्लिम वाला माहौल कौन बना रहा है। एक भी हिंदू बचा हुआ है तब तक उनको प्रॉब्लम है। इतना करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रखना ये बात। We'll have to answer if there is a God above for this crime against humanity. मेरे भाइयों जागो, जागो और झकझोर दो सिस्टम को। एटीन सेंचुरी की शुरुआती दौर था, भारत में मोगल डायनेस्टी दगमगाने लगा था। मराठा सिख जैसे कई लोकल पावर्स अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। ऐसे में भारत की सरजमी में एक पॉलिटिकल कैओस यानी राजनीतिक अराजकता की प्रारंभ हो चुकी थी। और यही वक्त पर कमर्शियल पर्पस का बहाना देते हुए एंट्री होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन कुछ ही टाइम में प्योरली कमर्शियल पर्पस से आया हुआ ब्रिटिश कंपनी ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन चुका था। और देखते ही देखते 19 सेंचुरी के मिड तक पूरा भारत ब्रिटिश के कब्जे में आ चुका था। उस टाइम किसको पता था हमारे देश में एक डर की कहानी शुरू होने वाला है। डर एक ऐसे हथियार जिससे हिंदू और मुस्लिम जो एक टाइम पे केवल मात्र धर्म हुआ करता था उसको पहले लोगों के आइडेंटिटी बनाया गया और बाद में दो कम्युनिटी में साजिश के तहत कन्वर्ट किया गया और फिर दोनों कम्युनिटी को आमने सामने लाके लड़ाई करने के लिए मोटिवेट किया गया। उसके बाद शुरू हुआ द डार्क हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म इन इंडिया। इस कहानी को सुनना और समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इस हिंदू मुस्लिम रायत में बहुत लोग प्रभावित होते हैं और कई लोग तो अपने जान भी गंवाते हैं। क्या ये खुद ब खुद शुरू हुआ था या सोचे समझे प्रोग्राम के तहत इसे अंजाम दिया? आज के दिन भी ये कम्युनलिज्म क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? आज भी कौन इस कम्युनलिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है? ये कुछ अहम सवाल है इस इशू से रिलेटेड। क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया में पूरा पॉलिटिकल पावर मुस्लिम के हाथों से छीन लिया था, इसीलिए दोनों का बीच का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। मुस्लिम्स के लिए वो भूलना आसान नहीं था कि ब्रिटिश से पहले वो इंडिया में रूल करते थे। यही नाराजगी बयां करने के लिए मुस्लिम्स ना तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते थे और ना ही ब्रिटिश का लैंग्वेज यानी इंग्लिश सीखना पसंद करते थे। दूसरी ओर अंग्रेज भी मुस्लिम्स को ज्यादा त्रास्त नहीं करते थे क्योंकि ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि मुस्लिम्स किसी भी वक्त अपना हारा हुआ पावर फिर से हासिल करने आ सकता है। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1857 की स्टार्टिंग में हालत बदलने लगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्लियरली दिख रहा था कि वो और ज्यादा दिन इंडिया में रूल नहीं कर पाएगा अगर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच ऐसा ही यूनिटी और हार्मनी बरकरार रहा। धीरे धीरे मुस्लिमों के लिए ब्रिटिश अपना पॉलिसी चेंज करने लगे। अब ब्रिटिश को बाय हुक और क्रूक हिंदू और मुसलमानों का हारमोनी को तोड़ना था। बिफोर द ब्रिटिश केम पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर लिविंग इन हारमोनी एंड दैट रिलीजन वॉज नॉट द कवर फॉर पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म एंटर्स आफ्टर द ब्रिटिश केम हियर। और इसके लिए वो मुसलमानों को अपना टारगेट बनाया। ब्रिटिश ऑफिसर सर विलियम हंटर इस बात पे एम्फेसाइज करते थे, A Muslim were too weak for rebellion, and it was expedient now to take them into alliance rather than continue to antagonize them. सीधे अर्थ में ब्रिटिश मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने लगे। मुस्लिमों को ये एहसास दिलाया कि लड़ो तुम लोग हिंदुओं के खिलाफ, नहीं तो हिंदू तुम लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा। देखते ही देखते भारत के दहलीज में दंगों की गूंज, लोगों की तरफ चिल्लाहट और लाशों की ढेर दिखाई देने लगी। एक प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म को अंजाम दिया गया। इस प्लानिंग के तीन हुकुम के इक्के थे, पहला ब्रिटिश डिप्लोमेसी और उनकी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दूसरा सर सैयद अहमद खान और उनके विचार, और तीसरा ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। उस टाइम ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को एक मुद्दा की तलाश था जिसके तहत वो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर पाए। 19 सेंचुरी की दौर में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हर फील्ड में मुस्लिमों से मुकाबले हिंदुओं की संख्या ज्यादा थे और ब्रिटिश इसको ही मुद्दा बनाया। मुस्लिमों के जहन में ये बात डाल दिया गया कि हिंदू मुस्लिम्स के अपॉर्चुनिटी को छीन रहा है और उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। इससे अंग्रेजों का दो फायदा था, एक तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अंजाम दे सकता था और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में हिंदूज की बढ़ती प्रभाव को कम कर सकता था,
ब्रिटिश गवर्नर मिस्टर एल्फिनस्टोन कहते हैं, Divide et impera was old Raymond Matto, and it should be ours. The policy of divide and rule now started in the real sense of the world. अंग्रेजों की traditional anti-Muslim policy अब अचानक से U-turn लेके anti-Hindu बन चुका था। जहां एक टाइम पे हिंदू हो या मुस्लिम हर भारतीय के लिए एकमात्र विलेन अंग्रेजी था, वही 18 सेंचुरी के अंत तक हिंदू को मुस्लिम्स के सामने विलेन के रूप में पेश किया गया और ब्रिटिश अपने आप को मुस्लिम्स के सपोर्टर दिखाने लगे। अंग्रेज तो चला गया लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी छोड़ के गया। आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उतना ही है जितना ब्रिटिश के जमाने में था, बस टाइम और तरीके चेंज हुआ है। मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। WhatsApp ग्रुप द्वारा प्रायोजित हिंसाएं शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया। आते आते एक के बाद एक इस माहौल में जिसको कहें कि डिवाइडेड माहौल था, उसमें इलेक्शन के चक्कर में आग में घी का काम शुरू हो जाता है। सैयद अहमद जो मोगल फैमिली से था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन किया था 1837 में और 1857 और 58 के दौर में वो ब्रिटिश की रॉयल फ्रेंड हुआ करता था। वो पहला मुसलमान था जिनको लगता था कि मुस्लिमों का डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न एजुकेशन और नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश और मुस्लिम्स की रिलेशन को अच्छा करने के लिए एक पेपर एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था रॉयल मोहम्मदांस ऑफ इंडिया, और उनका ये एफर्ट कई हद तक काम करने लगा। स्टार्टिंग में सैयद अहमद का व्यूज और पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल भी कम्युनल नहीं था। दैट मेन लाइक सैयद अहमद खान टू साइट जस्ट वन एग्जांपल वर ट्राइंग टू डिफेंड द प्रिविलेजेस ऑफ एन एंट्रेंच्ड नॉर्थ इंडियन मुस्लिम एलीट एंड वर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट। वो कहते थे, The two communities, the Hindus and the Muslims, are the two eyes of the beautiful bridge that was India. Again, 1884 में उन्होंने अपना व्यू फिर से शेयर किया और कहा था, We the Hindus and the Muslims should try to become one heart and soul in unison. लेकिन अहमद का प्रायोरिटी इस बात पे था कि उनको ब्रिटिश का फेवर मिले, और जब ब्रिटिश एंटी हिंदू पॉलिसी को अपनाने लगा तब उनका मजबूरी था कि वो भी कम्युनल बात करना स्टार्ट कर दे। फिर भी जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब तक बात इतना नहीं बिगड़ा था। जैसे ही नेशनल कांग्रेस का प्रतिष्ठा हुई, ब्रिटिश ने अहमद को इस बात पे ट्रिगर किया कि अब नेशनल कांग्रेस मुस्लिमों को डोमिनेट करेगा। A man like Syed Ahmed Khan represented, eventually looked for the creation of Pakistan. How did it happen? उसके बाद ही सैयद अहमद पूरी तरह से एक एंटी हिंदू कम्युनिस्ट बन गया था। ये सच है कि आज हमारे बीच सैयद अहमद खान नहीं है, लेकिन ऐसे हजारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने हेट स्पीचेस के थ्रू हर दिन लाखों लोगों की ब्रेन वॉश करते हैं। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने हजारों, कुरान से कई ज्यादा। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा, और ये केवल ये तो अजान है, नमाज अलग होती है। Violent clashes between Hindus and Muslims have rocked the city for days. Entire neighborhoods ripped apart as mobs roam the streets. The riots have been centered in the northeast of Bombing in Nigeria American consulate, Osama bin Laden headline. Did or not, we don't know. But if you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. Yaad rakho, mitega ye dharm aur aabru bhi jayegi. Tumhare naam se duniya ko sharm aayegi. ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी स्पेशली तीन मुख्य किरदार मिस्टर थियोडोर बेक, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मिंटो ने अहम रोल प्ले किए थे इंडिया में कम्युनलिज्म को प्रमोट करने में। मिस्टर बेक वही इंसान थे जिन्होंने अहमद खान की व्यूज को कम्युनल बनाने में एक अहम भूमिका निभाया था।
जैसे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश के खिलाफ नेशनल मूवमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था, मिस्टर बैक ही था जिन्होंने मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट से पीछे हटाने में कामयाब हुआ था। उन्होंने अहमद खान को पूरी तरह से कन्विंस कर लिया था कि नेशनल कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और वह इंडिया में हिंदू राज स्थापित करने जा रहा है। इसीलिए मिस्टर बैक ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रम्प कार्ड थे। उनके डेथ के बाद सर जॉन स्ट्रेची ये लिखा था, An Englishman who was engaged in empire building activities in a far off land has passed away. He died like a soldier at the posh of his duty. The Muslims are a superstitious people. They opposed Mr. Betch in the beginning, suspecting him as a British spy, but his sincerity and his selflessness soon succeeded in his gaining their confidence. ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स के दूसरा किरदार लॉर्ड कर्जन का भी एक बहुत बड़ा रोल था इंडिया में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने में। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट ने जोर पकड़ने लगे, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स आगे आने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, Political rights will have to be fought for. The moderates think that these can be won by persuasion. We think that they can only be obtained by strong pressure. बंगाल में नेशनल मूवमेंट की आवाज बढ़ने लगा और यही देखते हुए मिस्टर करेजन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। Curzon declared Bengal is too large to be administered as a single province, it will be partitioned. ये सिर्फ बंगाल का डिवीजन नहीं था, ये हिंदू और मुस्लिमों का डिवीजन था। In a well-planned move, Bengal was partitioned on religious lines. Muslim-dominated East Bengal was separated from the Hindu-dominated West. Vision में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं, The partition fell upon us like a bombshell. We felt that we were humiliated. 16 October 1905 में officially partition of Bengal को announce किया गया। Majority of Hindus इस decision से बहुत नाराज थे, लेकिन वही दूसरी तरफ British government Muslims को ये दिखा रहे थे कि वे मुसलमानों को Hindus की dominance से बचा रहे हैं और ये division Hindus के लिए एक punishment है। ज्यादातर मुसलमानों को भी यही लग रहा था कि ये एक ब्रिटिश का मास्टर स्ट्रोक है और उसके बाद से ही ब्रिटिश के ऊपर मुसलमानों का फेथ और ट्रस्ट दोनों बढ़ने लगा। लॉर्ड करेजन की इस कम्युनलिज्म की फाउंडेशन को आगे लेके गया लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो संवैधानिक रूप से हिंदू और मुस्लिमों को दो अलग अलग कम्युनिटी बनाना चाहते थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू हिंदू और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाना चाहते थे, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग वोट करेगा अपना रेस्पेक्टिव नॉमिनीज को चुनने के लिए। अनडाउटली लॉर्ड मिंटो ये करने में सफल भी हुए थे। यही लॉर्ड मिंटो और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट से 1906 में मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका सोलो एम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को ओपोज करना था और नेशनल मूवमेंट को कमजोर करना था। ऐसे ही लॉर्ड मिंटो और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे देश में ऐसा जहर बोया जिसके कारण अंत में हमें पार्टीशन जैसा दर्दनाक इवेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। इन फैक्ट द रियल फादर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट जिन्ना बट लॉर्ड मिंटो। पूरी फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि ये तमाम सांप्रदायिक हिंसा धर्म के नाम पे जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे प्री प्लान पॉलिटिक्स होता था और आज भी होता है। लेकिन ये पॉलिटिक्स रचा ही क्यों जाता है? इसका आंसर इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके पीछे का मोटिव जनता को देश की बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नजरों से आप इंडिया को देखोगे तो आपको दो पार्ट्स मिलेगा, एक हिंदू वोट्स और एक मुस्लिम वोट्स। कोई पॉलिटिकल पार्टीज हिंदूज को ये विश्वास दिला पाए कि हिंदू खतरे में है और वे हिंदूज को रक्षा करेंगे तो पूरे हिंदू वोट उनको ही मिलेगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर मुस्लिम्स को ये बोल दे कि वो खतरे में है और हम मुस्लिमों को रक्षा करेंगे तो पूरे मुस्लिम वोट उनके खाते में चला जाएगा। अब ये पॉलिसी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो इसका सलूशन क्या है? इसको समझने के लिए हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा को कैसे अंजाम दिया जाता है इसको समझना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे ही हमारे देश में कुछ क्राइम होता है सबसे पहले तो इसको कम्युनल एंगल दिया जाता है और जिसके थ्रू दोनों कम्युनिटी के बीच नफरत की बीज को बोया जाता है।
तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें दोनों धर्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। सुनी सुनाए बातों में रिएक्ट ना करके हमें खुद से धर्म ग्रंथों को समझना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया हो या टीवी, इसमें जितना भी हेट न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है उसके पीछे की पॉलिटिकल माइंडसेट को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल रैली या इन्फ्लुएंसर्स के हेट स्पीचेस में सिंसियर एंड रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेक और रियल न्यूज की डिफरेंसेस को पहचानना पड़ेगा। हर न्यूज की फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स को डबल चेक करना पड़ेगा। ये पूरे सोल्यूशन को समराइज करके अगर एक लाइन में बोलना है तो हमारे देश की ज्यादातर लोगों को अपना इंटरेस्ट सांप्रदायिकता से हटा के देश की बुनियादी मुद्दा जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी और इकोनॉमी में लाना पड़ेगा। ऐसा करने से सरकार भी अपना पॉलिसी और इंटरेस्ट चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के नीचे दब गया है। अभी भी बहुत सारे उम्मीदें जिंदा है हमारे देश में और उसी उम्मीद का एक नज़ारा आपके सामने। इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिन्हें देखकर भरोसा होता है कि भाईचारा अभी बाकी है। पूर्वी दिल्ली के नूर इलाही इलाके में हिंदुओं ने मस्जिद को बचाया तो मुसलमानों ने मंदिर को। आप देखिए, हॉस्पिटल में हाजी मुजीबुर रहमान मिले और उन्होंने हमें बताया और उन्होंने कहा कि ये मेरे हिंदू भाई हैं और इन्होंने मेरी जान बचाई। अगर सच्चा है तो करना होगा।